This is me Smarties and you guys are watching me on my YouTube channel Smarties World. So guys, आज हम आए हुए जयपुर में और जयपुर से भी हम लोग जा रहे हैं खाटू भी जाने के लिए हम लोगों को पड़ेगा बीच में रिंगस, तो भी हम लोग जाएंगे जयपुर से रिंगस से ट्रेन पकड़ेंगे, मतलब जयपुर से रिंगस की ट्रेन पकड़ेंगे, फिर रिंगस में उतरेंगे, रिंगस में उतरने के बाद हम लोग जाएंगे पैदल निशान लेके खाटू। बोलो वाह। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फन होगा, बहुत ज़्यादा मस्ती होगी, आपको भी दर्शन कराऊंगा मैं। फागुन के मेले में आने का बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पे आने का, तो आप लोग भी ज़रूर आओ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग दिख रहा है तो जल्दी आओ होली पे, अगर ये ब्लॉग जल्दी लग जाता है तो मेरी वैसे मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी पोस्ट हो जाए। सो बोलो काटू मेरे की। सो अभी हम सभी ट्रेन के लिए भागे भागे जा रहे हैं और ये देखो पर्पल ग्रीन बॉल। अभी यहाँ से टिकट कटवानी फटाफट से, फिर जाएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रिंगस में और क्या कैसी क्या फीलिंग आ रही है भाइयों, आनंद की मजा नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है, क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो अच्छा ये दोनों इधर निशान देख रही है, अभी हमको लेना है निशान, तो अभी बस निशान लेके निकलेंगे हम। लोग पहले निकल चुके हैं निशान लेके, देखो अभी हम जा रहे हैं पैदल, जा रहे फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम है। और ये लोग पीछे चोरी होने, हाँ भाई क्या बता भाई, एक बार जय श्री, जय श्री कृष्ण, अच्छे से बोलो, बोल शाम प्यारे की जय हो, बोल शाम प्यारे की जय हो। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो गाइस हम लोगों का ग्रुप पूरा अलग अलग हो चुका है, अभी हम लोग मान के चलो 14-15 किलोमीटर आ चुके होंगे ना, 18 किलोमीटर है रिंगस से खाटू श्याम जी। और अभी मेरे साथ भी अक्षय है, प्रदीप और स्नेल का तो पता नहीं कहाँ गए, और पायल और उसके सिस्टर तो आगे भाग चुके हैं भाई, इतने तेज़ी से मतलब चल रहे वो लोग, बहुत ख़तरनाक एनर्जी दिख रही है आज उसकी, गाइस बहुत तगड़ी एनर्जी दिख रही है, बाबा जी हिम्मत दे देते हैं। थकावट हो रही है, पेट दर्द कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं क्योंकि हम शाम प्रेमी। देखो भाई हमने किसको ढूंढ लिया, ये इतने दूर जाके बैठी थी ना भाई, हम भाग भाग के आए थे ढूंढने के लिए, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर, इतने दूर जा रही इसकी एनर्जी ने एक्सेल की थी भाई आज, फायर पता नहीं इसके पैर आज दर्द कैसे नहीं करे, क्या बोल रहे वायल, अरे एक बार भी रुके नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाँ वायल वो लोग पीछे मतलब ना इसकी एनर्जी ना एकदम नेक्स्ट लेवल की भाई, बहुत ज़्यादा आया थ्री। तो गाइस पायरी अभी देखते थे कितनी हिंदी थी और अभी तो ये आके यहाँ पे सो गई, हम लोगों ने चाय पी ना तो इसको अचानक से लोगों को चाय पीने के बाद नींद उड़ जाती है, इसको चाय पीने के बाद नींद आ रही, सुबह से चल रही बेचारी अकेली, हालत ना बहुत ख़राब हो गई है अभी आते आते जैसे, बाकी आनंद की प्राप्ति है इस काम में भी, बस अभी 1 किलोमीटर दूर बचा है तोरणद्वार, और पता नहीं गाइस आगे बहुत ज़्यादा भीड़ बता रहे हैं, तो मैं इसके आगे आपको क्या दिखा पाऊँगा क्या नहीं वो तो नहीं पता, तो देखते हैं। अभी प्रतीक उधर आया हुआ है और ये देखो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत तगड़ी भीड़ है खाटू श्याम जी में, तो फागण के टाइम पे बहुत अभी का मात्र होता है, इसलिए सभी लोग अभी आते हैं, हालत बोलने लायक भी नहीं हो रही है मेरी, हाँ बताओ फिर भी अब पहुँच ही रहा हूँ मंदिर में, फिर कहा ये नज़ारा है अभी फागण के लिए ऐसा सजा हुआ है, जय श्री श्याम, जो यहाँ पर कल्याण निकालने के आ रहे हैं उससे निवेदन है कि अपने अपने का
ये शाम को नहीं यहाँ शाम बाबा का शीश मिला था नीचे, या नहाने से ये पानी को ऊपर लेने से अच्छे अच्छे रोग नष्ट हो जाते हैं। देखो क्या हो गया, पैदल चल गया, गलत हो गया। इधर है क्या ब्लॉग में देखे? ब्लॉग में देखना, नाटक कर रहा है गाइस, इसको हम बोल रहे हैं कि चलो भाई टाइम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, नाटक कर रहा है। सो गाइस ये वाला व्लॉग तो यही खत्म होता है क्योंकि मैं बहुत थक गया था, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं दिखा, मैंने खाना खाया, रूम पे गए, सो गए, और अभी हम लोग जा रहे कहीं और, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट मिल जाएगी, तो जाके चेक करना जरूर मेरे यूट्यूब चैनल।